अर्थात अलग अलग जगहों से लगातार तीन संवाददाता जुड़ गए हैं और सीधा सबसे पहले हम पंकज करो करेंगे। पंकज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? वोटिंग परसेंटेज अभी क्या कुछ कह रहा है? रुक क्या, जनता का मुद्दे क्या है? देखिए, मैंने तमाम लोगों से बात की। फिलहाल पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ वोटिंग परसेंटेज का। वोटिंग परसेंटेज 43.76% वोट हुआ है 3 बजे तक, जो है जो आंकड़े आए हैं जिला प्रशासन द्वारा। उसके पहले बताना चाहेंगे, जिस तरीके से जो शुरुआत हुई थी कुछ देर बाद, ये ईवीएम मशीन में कहीं जगह डिस्टर्बेंस आ गई थी, उसके वजह से सुबेरे लगभग 9% भी नहीं पहुंच पाया था 2 घंटे में, 7 से 9 के बीच में। उसके बाद फिर जो मतदान कायदे से शुरू हो गया, उसके बाद वो 21 के अबव चला गया, उसके बाद 33.5% पहुंचा 1 बजे तक में, और अभी जो प्रेजेंट का बता रहा हूं आपको कि 43.73% है। तो इस तरीके से जो चल रहा है मतदान, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग निकल रहे हैं। जिस तरह सुबेरे तो लग रहा था कि बहुत धीमे हो रहा है मतदान, पर अब धीरे धीरे भीड़ निकल रही है, लोग जाके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मत देने जा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें मुझे देखने को मिली, क्योंकि मैं बनारस के कई सेंटर्स पे गया, मैंने वहां से इंडिया न्यूज के ने तस्वीरों के माध्यम से इंडिया न्यूज को दिखाने की कोशिश की कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दे पे मैंने बात करी, कुछ ने कहा कि देश हित के लिए मैं वोट कर रहा हूं, कुछ ने बेरोजगारी महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बताया, कुछ लोगों का अलग सोचना था, उनका कहना था कि सरकार में बदलाव चाहते हैं, इस सरकार से वो असंतुष्ट है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने लोग थे उतनी तरीके की बातें थी, सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा थी, सबकी अलग अलग सोच थी, सबके अपने अलग अलग मुद्दे थे। जी पराग, महिलाओं को लेकर भी हम सुन रहे थे जब आप बातचीत पंकज कर रहे थे महिलाओं से, महंगाई एक बड़ा मुद्दा महिलाएं बता रही थी कि रसोई का बजट बिगड़ जाता है, इस पर कम से कम कंट्रोल होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं उससे महिलाएं बहुत चिंतित बन रही, जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े वो बहुत चिंता का विषय बना, क्योंकि कहीं कहीं एक घर में दो दो सिलेंडर लग जाते हैं, 1.5 सिलेंडर लगते हैं, तो निश्चित तौर पे आप समझिए देखिए कि उनकी बजट पे जो है फर्क पड़ता है। अगर एक सिलेंडर 1000 में ले रहे हैं, पहले अगर 450 में आते थे तो दुगने के ऊपर चला गया बजट, अगर 1.5 सिलेंडर लग रहा है, 2 सिलेंडर लग रहा है, तो लगभग 1000 के आसपास अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है महिलाओं को किचन चलाने में। इसी तरह खाद्य तेलों की बात करें, जिस तरीके से दाम बढ़ा है, तो महिलाओं का विशेष फोकस जो महंगाई था वो उस पर बहुत संजीदा दिखी। उनपे उनका ये कहना था कि महंगाई जो बहुत बड़ा मुद्दा मेरे लिए है, महंगाई को जब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि महंगाई थोड़ा नियंत्रित रहे, इसको देख के उन्होंने वोट किया। हालांकि जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं बनारस के, सभी जगह कड़ी टक्कर हो रही है। आपको बताते चले कि मुख्य लड़ाई में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और भाजपा की जो सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठापरक सीट है, सर दक्षिणी की बात करूं, सर दक्षिणी समझ लीजिए फंसी हुई सीट है। अभी मेरी कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हुई, तो उनका यहां तक कहना था कि हम ये सीट जीत रहे हैं और हम ईवीएम की निगरानी के लिए 3 दिन तक वहीं मैं बैठा रहूंगा, हम लोग बैठे रहेंगे कि ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ ना करने पाए। तो मतलब यहां तक उनके अंदर एक शक बैठा हुआ है कि कैसा ना हो मंत्री अपने प्रभाव में ईवीएम किस्म की छिड़कानी ना करा दें, ईवीएम ना बदल दें। यहां तक वो सपा वाले ऐसे जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेता हैं उनके मन में यहां तक चल रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए पंकज, आपके पास हम लौटेंगे। जौनपुर का हम रुख करते हैं, जहां पर राजन मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, अभी भी उत्साह कितना ज्यादा आप वोटर्स के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे क्या रुझान वोटर्स का है? जी देखिए, जौनपुर के जो वोटर्स हैं वो सुबह से घरों से निकल रहे हैं, चिलचिलाती धूप के उसके बावजूद भी लोग जो है घरों से निकले हैं और लोग जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। अब चूंकि धूप जो है वो कम हुई है, उसके बाद भी लोगों का फिर से आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर हम 3 बजे से जो वोटिंग परसेंट अगर उसकी हम बात करें तो जौनपुर में कुल 47.18% जो है वोट पड़े हुए हैं, बदलापुर विधानसभा में 45.33%, सागर विधानसभा में 50.2%, सदर में 47.4%, मलनी में 49.25%, मुगला बासापुर विधानसभा में 43.5%, मछली शहर में 46.25% वोट पड़े हैं, वहीं मड़ियाहू में 51.26% वोट पड़े हैं, क्योंकि चपराबाद में 44.7% और किराकत में 46.75% वोट पड़े हैं। तो वोटों का जो प्रतिशत मिला 47.18% जो है जौनपुर में वो मतदान हुआ है, और लोग जो है वोटिंग करने के लिए भी घरों से निकल रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का जगह जो ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत मिली, उसको प्रशासन ने दुरुस्त कराया और मतदान कार्य जो है वहां पे भी शुरू हो गया है, तो लोगों में उत्साह है और लोग वोटिंग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। जी ठीक है, सोनभद्र का हम रुख करेंगे, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? वोटिंग परसेंटेज सोनभद्र में अब तक कितना हो गया? प्रशासन लोग गिराना था यार खड़ा अभी जो मतदान
का आंकड़ा आया है वो हो चुका है, और बुद्धि और रॉबर्टसन जो जो नक्सल प्रभावित जो विधानसभाएं हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो 51% हो गया है। अन्य जो विधानसभाएं हैं ओबरा और करावल में अभी वो 49% पे ही चल रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से रॉबर्टसन की बात करें तो यहाँ पर जो विधायक कैंडिडेट हैं वो वर्तमान में विधायक भी थे भारतीय जनता पार्टी से, और उनके विपक्ष में यानी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो पूर्व में विधायक रहे हैं। तो पूर्व जो सपा के जो प्रत्याशी हैं उनका भी एक अच्छा खासा जनाधार है। इसको जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जो लड़ाई है वो बिल्कुल नेक टू नेक है। इसी तरह से ओबरा विधानसभा में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में थे संजीव गौड़, उनसे और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनके बीच सीधी लड़ाई है, और बुद्धि में भी वही हालत है। और ओबरा विधानसभा में चारों सीट की बात करें तो लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से है। अलग विधानसभा के अलग अलग बूथों पर अलग अलग तरह के रुझान, किसी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसी बूथ पर समाजवादी पार्टी के, इस तरह से मिली जुली प्रतिक्रिया अभी आ रही है। और कयास भी लगाया जा रहा है कि लड़ाई नेक टू नेक है, अब तो ये परिणाम बताएगा कि व्यक्ति मैंने किया है। यानी विवेक के माने कि हम अलग अलग विधानसभाओं में जैसा कि आप बता रहे हैं स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं। जी स्थानीय मुद्दे तो हावी हैं, महंगाई बेरोजगारी ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर महिलाएं हो चाहे पुरुष हो वो बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। लेकिन महिलाओं के बीच में एक, एक जो सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठता था तो सुरक्षा को लेकर वो जो कि वो बीजेपी का सपोर्ट करते हुए नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सुरक्षा ज्यादा मिला है। तो महंगाई तो आती जाती रहती है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, उसको तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सुरक्षा जो है वो महिलाओं के लिए एक प्रायोरिटी जो कि विषय है। ठीक है, पंकज के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। पंकज, हम सुन रहे थे जब आप बातचीत लोगों से कर रहे थे तो काशी के विकास को लेकर बात लोग कर रहे थे, वहां पर क्या बदलाव लोगों ने देखा है? देखिए काशी में बेशक बहुत बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री जब से यहाँ से सांसद हुए दिन रात विकास के कार्य हुए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है कि बनारस में विकास तो हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से बनारस में फ्लाईओवर तमाम फ्लाईओवर बने, जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना, बीएचयू के हॉस्पिटल को और इक्विप्ड किया गया, उसका और आधुनिकीकरण किया गया, कैंसर हॉस्पिटल बने, तो इस तरीके से बनारस में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बनारस में आ रही हैं, और बनारस की वजह से पूर्वांचल का विकास हुआ। अब बनारस में दूसरी चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट या नेबरिंग स्टेट के लोग भी बनारस में आके बसे हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जो समीपवर्ती जिले छत्तीसगढ़ के हैं, जो लगते हैं मिर्जापुर से या सोनभद्र से लगते हैं, झारखंड के कुछ जिले लगते हैं मिर्जापुर सोनभद्र से, मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं, चाहे हम बिहार की बात कर लें, तो वहां के काफी संख्या में लोग यहाँ पे आके बस गए हैं, उन लोगों ने जमीनें खरीद के अपने मकान बनवा लिए, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जाता है। इसलिए पीएम मोदी को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बनारस भेजा कि यहाँ से पूर्वांचल तो सदेगा ही, उसके बाद उसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट है तो वहां भी इसका इम्पैक्ट जाएगा, प्रभाव जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि बनारस में विकास तो हुआ है, और ये भी एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विकास के मुद्दे पे थोड़ा हावी होती दिख रही है। बेरोजगारी महंगाई को थोड़ा कुछ लोगों ने कहा कि हम विकास पे इसको भारी माने, मतलब विकास भारी है बेरोजगारी महंगाई पे, उनका कहना है कि महंगाई ठीक है हम महंगाई सह लेंगे पर विकास यदि हो रहा है तो अच्छी बात है। अभी और क्या उम्मीदें काशी की जनता काशी के लिए खासकर लगा रही है आने वाली सरकार से या आने वाले अपने विधायक से? देखिए मैंने पहले भी बताया कि प्रत्याशियों के खिलाफ असंतोष है बनारस में, लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने कहा कि अगर मोदी और योगी के ही चेहरे पे अगर चुनाव जीतना है तो हमको ही लड़ा दो, हम ही जीत जाएंगे, अगर प्रत्याशी की जरूरत नहीं है तो प्रत्याशी के प्रति देखिए आक्रोश तो है लोगों में, चाहे हम सबसे बड़ा असंतोष तो बनारस की मैं बार बार बोल रहा हूँ, शहर दक्षिणी में सबसे ज्यादा असंतोष मिला है वहां देखने को, वहां की जनता बहुत नाराज है, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं कि 5 साल तक कभी नहीं दिखे, लोगों से सीधे मुंह बातें नहीं करी, तो इस तरीके की चीजें हैं। हालांकि बाकी सब कुल मिला लेंगे आप तो बनारस में मोदी और योगी का फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है, बार बार दोहराना चाहूंगा, बहुत मजबूती से लड़ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका, और साथ ही राजन आपका बहुत शुक्रिया, विवेक आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी और पूरी बात।